क्लियर चार्ट की डेफिनेशन राइट डाउन द रिड्यूस्ड दिस लिखो दिस रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज दिस इज रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज दिस इज रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस्ड न्यूक्लियर चार्ज experienced by an electron experienced by an electron by electron is termed as effective nuclear charge बेटा देखो जरा इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा बहुत ध्यान समझना बहुत बच्चों को डाउट होता है सर कैसे निकालते हैं आपने कैसे निकाल दिया माय डियर सिर्फ बोर्ड पे फोकस रखना आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगी एक बार में बस आप बोर्ड पे निगाहें रखना अपनी देखो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला होता है जेड माइनस सिग्मा जेड क्या होता है हमें जिसका भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है उसका एटॉमिक नंबर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखो फॉर्मूला जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा बात क्लियर बेटा इतनी जहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई मैं एक एक स्टेप बताऊंगा आपको हर एक चीज बोलो हाँ या ना अरे बोलो बोलो हाँ या ना यस सर देखो अब जरा ध्यान समझना इसको स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं और स्लेटर कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको और स्लेटर कांस्टेंट देखो बेटा जो स्क्रीनिंग का या शेडिंग का मतलब होता है स्क्रीन देखो यहां पर जैसे मान लिया गौरव है घर में मार खा रहा है पापा आए डंडा लेके वाइपर लेके मारने आ गए और गौरव के सामने पापा के सामने गरिमा आ गई अचानक कि नहीं पापा गौरव को मत मारो मतलब गरिमा ने किसका काम किया शेडिंग का काम किया स्क्रीनिंग का काम किया मतलब पापा हमारे न्यूक्लियर चार्ज है ठीक है इलेक्ट्रॉन हमारा गौरव है और शेडिंग कौन कर रही है गरिमा कर रही है ना समझ गए इसका मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन को क्या करना आउटर शेल से रोकने का काम कौन करता है शेडिंग करती है देखो ये चार होते हैं एस पी डी एंड एफ एस का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है इस मान लिया आपके पास 100 रुपए है तो आप बिल्कुल सीधा चौड़ा करके घूम रहे मेरे पास 100 रुपए है 100 मैं 100 रुपए खर्च करूंगा कुछ खुद खाऊंगा पी का शेप होता है बेटा डंबल का अब भाई आपके पास 50-50 बट गए 50 कोई और ले गया 50 कोई और ले गया अब थोड़ा हम दुखी हो गए पी का होता है बेटा डबल डंबल ये शेप होता है अब आपके पास 25-25 रुपए बचे आपको पास 25 बचे आपसे 25-25 को छीन ले गया एक ऐसा और ही कॉम्प्लेक्स होता है तो इसका मतलब होता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ इलेक्ट्रॉन बट गए यहाँ और बट गए तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी अच्छी शेडिंग पावर होगी तो मतलब शेडिंग पावर का ऑर्डर क्या होता है एस पी डी एफ सबसे ज्यादा शेडिंग पावर किसकी होती है एस की पी उससे कम डी उससे कम एफ इसका एस की क्या होती है सबसे पुअर शेडिंग होती है सबसे पुअर शेडिंग होती है या कह सकते हो सबसे पुअर स्क्रीनिंग होती है बेटा
और सबसे बेस्ट स्क्रीनिंग कौन होती है, सबसे अच्छा पर्दा कौन होता है बेटा, एस पर्दा समझ लो इसको, ये बेस्ट स्क्रीन। मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारी इनर सेल है, ये आउटर सेल है। मान लिया इनर सेल हमारी डी की है, आउटर सेल एस की है, ठीक है। अब होता क्या है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अंदर की जो शेल है इसके इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि इस न्यूक्लियस के पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज हमसे अट्रैक्शन करे, इस वाले से ना करे। अब लेकिन डी का पर्दा बहुत खराब, डी का पर्दा खराब, एस का पर्दा अच्छा, तो डी का पर्दा अच्छी स्क्रीन नहीं, अच्छे से उसको रोक नहीं पाएगा, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इससे सीधा अट्रैक्शन लगाएगा और ये इसकी तरफ खिंचा चलाएगा, इससे क्या होगा, जो एटॉमिक रेडियस होगी या इससे क्या होगा बेटा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो बेटा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा यहाँ पे, तो साइज इसका क्या हो जाए बेटा, साइज छोटा हो जाएगा, मतलब एटम का जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा। देखो डी का पर्दा, इसके इलेक्ट्रॉन हमेशा ये चाहते हैं कि इससे अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस ना लगाए, सिर्फ हमसे लगाए, लेकिन इसका पर्दा खराब है जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो इसे सीधे आउटर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन फोर्स लगा के इसके साइज को छोटा कर दिया, तो भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा रुको बेटा, अब ये न्यूक्लियस है, अब इनर शेल मान लिया एस की है, आउटर एस की है, मेरी बात ध्यान समझना बेटा, बात समझ आ रही ना सबको, कोई डाउट तो नहीं किसी को। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां भी है, इलेक्ट्रॉन यहां भी है, अब अंदर वाले चाहते हैं कि बाहर वाले से अट्रैक्शन इसका ना लगे, अब ठीक है, ये एस का पर्दा, एस का पर्दा, एस का पर्दा सबसे अच्छा होता है, ये इसका अट्रैक्शन को रोक लेगा, तो बेटा क्या होगा, इन दोनों का रिपल्सन लगेगा, जब रिपल्सन लगेगा तो दूर भागेंगे, ये दूर भागेंगे तो बेटा क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा, कौन सा फोर्स लगेगा बेटा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा इससे बेटा, कम हो जाएगा, तो ये होता है शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या होती है माय डियर, इसे ही कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अगली बात समझ में आपको, अरे हाँ या ना, यस सर। अब इसको लिखो, होता क्या है पहले लिखो, लिखो लिखो, दिस इफेक्ट, शेडिंग इफेक्ट, दिस इफेक्ट, बड़े बहुत मेहनत से आपको सही तरीके से समझा रहा हूं, बिल्कुल ट्रिक से, दिस इफेक्ट इन विच इनर इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल मैंने आपको बताई थी, या आउटर सेल या वैलेंस सेल, ये इनर शेल होती है, दिस इफेक्ट इन विच इनर शेल, दिस इफेक्ट इन विच इनर शेल शील्ड, एस एच आई ई एल डी, शील्ड शील्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर सेल वाले, इनको ये क्या करते हैं, शील्ड करते हैं, रोकते हैं कि इनके पास मत जाओ, ये बहुत बुरे हैं, लेकिन तब रोक पाएगा जो खुद ही अच्छा होगा, ठीक है, वैलेंस शील्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन शील्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन, फ्रॉम द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस फ्रॉम द अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस, ये क्या करता है, वैलेंस सेल से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को रोकता है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, न्यूक्लियस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, is called shielding effect, is called shielding effect, लिख लो बेटा, और ये जो मैंने order लिखा है आप note कर लो proper तरीके से, जैसे sequence में note किया है, ये order है screening power का, मैं लिखे जा रहा हूं blue color के pen से, ये शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर होता है, शील्डिंग पावर या स्क्रीनिंग पावर,
अगर इनर्शियल हमारी एस की या पी की है तो वो बाहर से वाले बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन को रोक लेती है तो रिपल्सन लगने लगता है, और अंदर वाली अगर अंदर का पर्दा खराब है तो बाहर वाले से अट्रैक्शन करके साइज को छोटा कर देता है। मेरी बात आप समझ आ गई होगी आपको अच्छे तरीके से, बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बोलो सर। यस सर। जल्दी से नोट करो पूरा कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। एक एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा आपको, कुछ नहीं छोड़ूंगा। आपको केमिस्ट्री मजबूत बना के छोड़ूंगा कि आप दूसरे को पढ़ा दो। स्कूल का टीचर भी, कोचिंग का टीचर भी आपसे डरेगा दूसरी कोचिंग का, अरे भगवान ये कहां से आ गया। इतना करने के बाद अब हम सीखेंगे जेड इफेक्टिव निकालना, कि हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं। आप नोट करो इसको, ठीक है बेटा। आज इसके आगे नेक्स्ट टाइम पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू। कल सीखेंगे कि इसमें जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। कंसेप्ट यहाँ से खत्म हुआ हमारा, ये कल कैलकुलेट करेंगे हम लोग जेड इफेक्टिव। ओके बेटा, थैंक यू। सेम टाइम सेम प्लेस।